Day 3. Hello, welcome back to my channel. आज है थर्ड डे ऑफ एक्सरसाइज. दो दिन मैंने घर पे एक्सरसाइज की. आज मेरा शूट था, सुबह मैं नहीं कर पाई एक्सरसाइज, लेकिन अभी बजे हैं ऑलमोस्ट 9:30 और मैं अभी एक्सरसाइज करना शुरू करूंगी. और हाई इंटेंसिटी का छोटा सा ही वर्कआउट है जो 15-20 मिनट आधे घंटे में हो जाता है, तो आज मैं वापस अपना थर्ड डे ऑफ एक्सरसाइज करूंगी. अभी थोड़ा यहाँ दर्द है बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइजेस एंड थोड़ा सा थाइज में पेन है, लेकिन इतना अनबेरेबल नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ना कर पाऊँ. मैं आज काम भी अच्छे से कर पाई और इट इज़ वेरी गुड एंड आई एम फीलिंग क्वाइट नाइस. और एक्सरसाइज जो है वो अच्छे हॉर्मोन्स सेक्रेट करता है आपके दिमाग में, उससे आपको हैप्पी फील होता है, रिवॉर्डिंग फील होता है. तो फिर मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, ये थर्ड डे है तो आई होप कि मैं पूरा 15 दिन कर पाऊँ. मुझे रियली थोड़ा फिट हो जाना है, फिजिकली थोड़ा लीन भी हो जाना है एंड आई एम फीलिंग हैप्पी राइट नाउ. और रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि चलो एक मैंने अच्छी चीज़ की खुद के लिए, एक मैंने कुछ अच्छा अचीव किया आज के दिन के लिए. तो अगर आप मेरे साथ ये कर रहे हैं एक्सरसाइजेज या चैलेंज कोई फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए मेरे साथ आपके एक्सपीरियंसेस. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंकरेजिंग कमेंट्स दीजिएगा प्लीज़. मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नॉर्मली थोड़े दिनों बाद गिव अप ही कर देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं गिव अप करना है, इसलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए. तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड गिव मी ऑल द एंकरेजमेंट दैट यू कैन. तीन सेट का एक सेट हो गया है, अभी एक मिनट का ब्रेक लेना है. अब मैं प्रॉपर समझ रही हूँ एक्सरसाइजेज. अब मुझे समझ में आ रहा है कहाँ पे प्रेशर आ रहा है. पॉस्चर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. अब मैं रेस नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉपर एक एक्सरसाइज सीखती हूँ फिर करती हूँ. और पहले दिन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था कि ये कितना फास्ट कर रही है, मैं 5 सेकंड का ब्रेक है, अरे ये तो हो भी गया, ये है वो है. अब जैसे एक एक्सरसाइज ख़त्म होती है मैं पॉज करती हूँ, थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे करती हूँ, तो मैं सेकंड सेट के लिए, सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं रेडी हो सकूँ. एंड दैट इज़ मच बेटर. आई एम रिलैक्स्ड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज और मेरा पॉस्चर भी फिर ठीक रहता है. अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फर्स्ट डे के हिसाब से आई थिंक टुडे वी आर डूइंग मच बेटर. नाउ आई स्टार्ट द सेकेंड सेट, then do the third set. See you on the other side of the exercises. आज की एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है. जो मेरा लैपटॉप है वो हैंग हो गया, तो मैंने बाकी की एक्सरसाइज फ़ोन में देख के कंप्लीट की. मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करती हूँ तो आई कुड नॉट रिकॉर्ड माई एक्सरसाइजिंग पार्ट, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊँगी. आज मच बेटर लगा. आज मैं आई थिंक ज़्यादा कर सकी एक्सरसाइज, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकी, जो उनके 30-30 सेकेंड्स के जो भी हैं उसमें. एंड कुछ जो मुझे पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे मुझसे, उसमें से भी एक दो एक्सरसाइजेज आज मैंने की है. सो आई एम फीलिंग हैप्पी एंड पॉजिटिव अबाउट इट. 3 दिन निकल गए, बाकी के 11 भी निकल जाएंगे. We're starting to start.
मैंने आज की एक्सरसाइज भी कर ली। आज है फोर्थ डे शायद। अब मेरा टाइम बेटर हो रहा है धीरे धीरे। आई थिंक आज मैंने 13 मिनट्स की जो एक्सरसाइज वो दिखाती है वो मैंने 18-20 मिनट में कर लिया। पहले मुझे उससे भी ज़्यादा शायद लगा था। धीरे धीरे मेरा टाइम कम हो रहा है। कुछ अभी भी डिफ़िकल्ट लगते हैं जिसमें जो लो इम्पैक्ट के ऑप्शंस हैं इनके एक्सरसाइजेज में, मैं वो फिर ट्राई करती हूँ। लेकिन मैं रुक नहीं जाती, शायद एक जगह रुकी थी, लेकिन आई एम लाइकिंग इट। आज भी मैंने बहुत पुश किया, नहीं करना, अभी करूँगी, बाद में करूँगी, तभी करूँगी, ये हो जाए फिर करूँगी, वो हो जाए फिर करूँगी, लेकिन फिर अल्टीमेटली अभी 8:30 बजे और मैंने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। एंड मुझे सच में खुशी हो रही है। पूरे दिन मैं ऐसे हो रही थी कि मैंने एक्सरसाइज करनी है और आज मैं शायद नहीं करूँगी और नहीं बाद में करूँगी। लेकिन अब जब कर ली है तो अब मुझे शांति लग रही है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है एक्सरसाइज करने के बाद। एंड आई होप कि जब मैं ये फिनिश करूँ 14 डे का चैलेंज, 2 वीक्स का चैलेंज, तो उसके बाद मैं सच में रोज़ एक्सरसाइज करने लगूँ। और क्लोई टिंग के पेज पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये तो बहुत पुराना चैलेंज है उनका, लेकिन उसके बाद मैं नया चैलेंज भी कोई ट्राई करूँगी। आप मेरे साथ कोई एक्सरसाइज का चैलेंज कर रहे हैं या नहीं ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे वो जानना है। और प्लीज़ मुझे मोटिवेशनल मैसेजेस देते रहिए। आई लव इट एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन सून।